पुणे टू हॉस्पेट बस फेयर 900 जो कि रात में चलती है, 9:30 के करीब हम निकले थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हम यहाँ पर रुके थे बस करीबन 15-20 मिनट हॉल्ट करके, फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकले थे। ब्रेकफास्ट ठीक ठाक। ये थी हमारी बस VRL की जो कि काफ़ी कंफर्टेबल थी। हॉस्पेट बस टर्मिनल हम करीबन 10:30 बजे हॉस्पेट पहुँचे थे और यहाँ से हमने हम्पी के लिए बस ली जिसकी फेयर थी 18 रुपीज़, जो तकरीबन 1.5 घंटे में हमें हम्पी पहुंचा देती है। और यह है हम्पी का बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड, यहीं से हमें लोकल बसेस और ऑटोज मिलेंगी जहां से हम लोकल साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। और वापस हॉस्पिटल अगर जाना हो तो यहीं से आपको बस मिलेगी। बस सर्विस तकरीबन 7:00 बजे से शुरू हो जाती है। तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम एक नए शहर में कर्नाटक हम्पी में, यहाँ हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम्पी। तो हमारे साथ हैं गुरु जो कि हमें हम्पी घुमाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। सो लेट्स गो। चलो गुरु। यह है गणपति टेम्पल। जैसे आप देख सकते हैं कादलू टेंपल एंड हेमकुंड टेंपल एंड कृष्णा टेंपल, ये दोनों टेंपल यहाँ पर है और कृष्णा टेंपल आगे है। सो बेसिकली ये कादे कालू गणेशा आप ये जो देख रहे हैं ये है पुराने समय का वेजिटेबल मार्केट, कृष्णा बाजार। इसका नाम था कृष्णा बाजार जो कि अभी भी इसे कृष्णा बाजार ही कहते हैं। और ठीक उसी के सामने यह है कृष्णा टेंपल, अभी रिपेयरिंग हो रही है इसीलिए अंदर जाना मना है। सो कृष्णा टेंपल और ठीक उसी के सामने यह है कृष्णा बाजार, ओल्ड टाइम का वेजिटेबल मार्केट। इस समय हम लोग आए हैं नरसिम्हा की बड़ी मूर्ति करीबन 18 फीट की, और ठीक उसी के बगल में शिवा टेम्पल जहाँ की शिवालिंगा विराजमान है। इस टेम्पल में नरसिम्हा की जो मूर्ति है उसे उग्र नरसिम्हा कहा गया है। यह है नरसिम्हा की बड़ी प्रतिमा तकरीबन 18 फीट, बहुत ही अद्भुत।
ठीक इसी के बगल में शिवलिंगा है शिवलिंगा। ये हमेशा पानी के अंदर ही होता है, बाकी समय में काफी जल स्तर इसका ऊपर होता है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर। ये है क्वीन पैलेस, बेसमेंट में, और वो है वॉच टावर जो सामने आप देख रहे हो। ठीक इसके बगल में ये है लोटस महल। इसकी खासियत है ये एयर कंडीशनिंग का काम करती थी पुराने जमाने में, और अभी भी ये काफी ठंडा रखती है। ओपनिंग सिस्टम उसके लिए लोटस महल बोला जो रियली इसको बोलती है चित्रंगिणी महल। ये चित्रंगिणी महल उसी टाइम में समर टाइम में रानी लोग तो विश्रांति लेने के लिए प्लेस होगी। अब्दुल टू फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में तो बाइट के दासिलों के साथ मीटिंग करने के लिए, सेकेंड फ्लोर देयर इज अ टू रूम चिन्ना देवी एंड तिरुमला देवी रहने के लिए। ओके, सो टॉप में 36 विंडो, इसको डोर स्क्रीन कुछ नहीं, पूरा ओपन सिस्टम। किसके लिए ओपन सिस्टम है? पूरा टॉप में चैन स्ट्रक्चर दिख रहा है डोम, इसमें एक एक वाटर टैंक, उस तरफ एक वेल है, इस तरफ एक वेल है, इधर से पानी लेके इसको ऊपर चढ़ते थे। इसको ऊपर चढ़ के उसको वाटर टैंक के पानी फिल करके रखे, वो पानी नीचे का 24 पिलर, सुनो नीचे का 24 पिलर इस्लामिक स्ट्रक्चर और इनसाइड डोम, इसका अंदर पूरा मट्टी का पाइपलाइन है। एक टाइम पूरा टॉप से पानी डालो तो पानी घूम के पूरा नीचे तक आएगा। एक टाइम वाटर 15 डेज नेचुरल एसी सिस्टम बदल गया। समर पैलेस, अब स्वच्छ वाला हवा आएगा तभी कूल सिस्टम बदल जाएगा। ये पैलेस ये है एलिफेंट स्टैंड, यहीं पर एलिफेंट्स को राजा महाराजा रखा करते थे। बहुत ही सिस्टमेटिक होता था।
अंदर में राजा का महल, लोटस महल रानियों के लिए, और बाहर उनकी सवारी हाथियों के लिए ये स्टेबल। मंदिरों से मूर्तियां निकाल कर सारी की सारी मूर्तियां एक जगह ला कर के एक म्यूज़ियम की तरह यहां पर स्थापित कर दी गई हैं, ताकि मूर्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। काफ़ी पुरानी मूर्तियां हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो चैनल दिख रहा है आपको, ये पानी यहाँ से आता था और यहाँ से इस तरह से नीचे पानी जाता था। सो काफी जबरदस्त टेक्नोलॉजी। सो ये जो आप पीछे रॉक पे ये जो होल्स देख रहे हैं, ये होल्स बड़े बड़े रॉक को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। छेनी हथौड़े से पहले ऐसे होल करते थे और फिर बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ा जाता था। सीक्रेट चैम्बर। विजयनगर डायनेस्टी काफ़ी रिच इन कल्चर और आर्किटेक्चर में, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी में, जिसे काफ़ी प्रिजर्व किया गया है। बहुत ही सुंदर